बंदे को ना लिफाफा बंद करके रखना चाहिए, ऐवें इधर उधर हो गए नोट तो खामखा किसी और पर इल्जाम। पता नहीं चोर क्या कहता है जब पकड़ा जाता है तो। चोरी मैंने पहली बार नहीं की है, पकड़ी पहली बार गई हूँ। संभाल के रखने चाहिए ना, बड़े पैसे हैं आपके पास। मैं भी नीयत खराब हो जाती है बंदे की। तुम्हारा जो ज़बरदस्त अमीर बैकग्राउंड है वो भी तुम्हें ऐसे लिफाफे नहीं बेचता। कर ले जलील, इधर कमरे में किसने मुझे जलील होते देखना है। चले बाहर चल के बता दे सबको ये सादिया झूठी है, फ्रॉड है, बकवास करती है। चले नुसी मैडम को भी बता दें, निकाल देंगी वो मुझे इधर से। और इधर किसके बैकग्राउंड का पता है बाय दी वे? किसी को क्या पता कि ये जो गूंगी है इसका बैकग्राउंड क्या है ना, ये जो हशमत आपी हैं ये क्या कर रही हैं इधर, और ये रोजी जी और आप खुद। मुझे क्या पता किधर से आए हैं आपके पास ये पैसे, तो मुझे क्या लगे जिधर से भी आए हो मेरे थोड़ी ना है। जल्दी कर लें अब जो भी करना है, वरना मुझे एंजाइटी होने लगती है। और सॉरी, ये जो कुन्ने लोग होते हैं ना, इनसे मेरी लैंड वैसे भी नहीं मिलती। चिट्टी माड़ी वीड़ी ते सावियां वंगा, चिट्टी माड़ी वीड़ी ते सावियां वंगा, इन्हा वंगा शड़ल कीता, इन्हा वंगा शड़ल कीता, वेले चंग माही भोला, ओखे वेले चंग माही ढोला, ढोले कदेना संग कीता, ढोले कदेना संग कीता, चिट्टी माड़ी वीणी ते सावियां वंगा।
मर्दों के सामने गीले बाल झाड़ झाड़ के सुखाएंगी तो वो तो देखेंगे ना, इसमें उन गरीबों का क्या कसूर है। अगर औरत बुरखा पहन के भी चले जाए ना तो आवारा मर्द उसको घूर घूर के देखता है। फिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ना आदमी के सामने बाल खोल कर। मैं उसके सामने नहीं गई थी। अच्छा, तो अभी कौन ऐसे ऐसे करके बाल सुखा रहा था छत पर? तमीज से बात करो, मैं कपड़े सुखाने गया था। सादिया को तो तमीज का पता ही नहीं है, सीधी बात करती है सादिया, बेशक कुछ हो जाए वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ज्यादा उसको फंसाने की जरूरत नहीं है। हमारा ऐसा काम ही नहीं है कि ऐसे आवारा मर्दों को बॉयफ्रेंड बनाता फिरे। हाँ, ये जो ऊपर ऊपर से इतनी शरीफ बन रही है ना, सब पता है मुझे इनका, वरना अपने इलाके से भागी क्यों थी, ताकि यूं यूं करके बाल सुखा सके, वरना शैंपू करने से तो बद किरदार हो जाती हैं आप। क्यों? मैं तुम जैसा का मुंह ही नहीं लगना चाहती। हाँ, मुझ जैसी के मुंह नहीं लगती, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड के मुंह लगना चाहिए। नूसी मैडम, हमारा ऐसा आदत ही नहीं, मुझे क्या उस लड़की से, पर उसने मेरे पे इल्जाम लगाया जो मुझे बिल्कुल कबूल नहीं। हाशमत जी, जाने देना, सादिया छोटी है अभी। वही तो, मैं उससे 3 दर्जा बड़ी होगी, पर बड़ा को कोई इज्जत भी तो होता है ना। इतना गंदा आदमी के साथ घूमती है जिसको अपना इज्जत का परवाह नहीं है, मैं कौन होता उससे सवाल करने वाली। हाशमत जी, उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, जाने दें आप। अपना इज्जत बेच के कौन सा मजबूरी पूरा होता है। ये लड़कियां ये मर्दों को खुश करके, उनका सहारा लेके, उनके साथ गलत काम करके तरक्की करता। तू ऐसा तरक्की। हशमत जी, अपनी खुशी से तो ये सब कुछ कोई भी नहीं करता, और अगर इन मर्दों को खुश नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ने देंगे हमें। खुद पे भरोसा हो ना तो इंसान को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंसान को खुद मजबूत होना चाहिए। और अगर अगर कोई इतना मजबूत ना हो तो फिर उसे घर पे बैठ के अपना खावन का पैर दबाना चाहिए। मेरी बचपन से ही आदत है लड़ाई डालने की, मगर कभी भी गलत लड़ाई नहीं डाली है मैंने। बेशक चेक कर ले आप पीछे से, ये जानती हैं अंबर जी मेरी फैमिली को। कॉल करके पूछे मेरी मम्मी जी से कि सादिया है लड़ाकी, वो बोली कि यस बहुत लड़ाकी है, मगर कभी भी नजायज लड़ाई नहीं डाली है मैंने, जब मेरी हैबिट ही नहीं है तो। अच्छा बस करो, ये रोना धोना तो बंद करो। ये भी मेरी हैबिट है, गुस्सा आए तो रोना नहीं रुकता मेरा। देखो सादिया, ये वुमेन्स हॉस्टल है और यहाँ इस किस्म के मर्द। इस किस्म के मर्द? बॉयफ्रेंड है जी मेरा, उसने तो आना ही है। जबरदस्ती का बॉयफ्रेंड? हाँ, यही समझ ले, आपसे ज्यादा प्रीटी हूँ मैं, जो सच्ची बात, मगर फिर भी मुझे ऐसे ही बॉयफ्रेंड मिल रहा है तो क्या करें आप। आराम से बात करो ना, आराम से, हौसला। स्टाइल है जी मेरा, जरा बोल सा, आराम से ही कर रही हूँ। क्या अजीब सा छचोरा मीन सा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, तुम डम करेगा एक दिन तो पता चलेगा। जो भी करेगा मेरे साथ करेगा ना, किसी और को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है सादिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जिससे मिलना है तुम मिलो, लेकिन ये हॉस्टल है, यहाँ पे और लोग भी रहते हैं, इस तरह चीखना चिल्लाना लड़ाई झगड़ा ये यहाँ पे नहीं हो सकता, समझ आई है तुम्हें? इस किस्म का आदमी यहाँ नहीं आ सकता। यही तो बात है सारी, मेरा बॉयफ्रेंड इस हॉस्टल में नहीं आ सकता, लेकिन आपका बॉयफ्रेंड आधी रात को गुलदस्ता लेके आ सकता है, नॉट फेयर बात नहीं है जरा। मेरा बॉयफ्रेंड जरा चीप सा है तो एतराज है आपको? मर्द तो मर्द होता है ना नूसी मैडम, फर्क तो नहीं होता। मस्कारा तो नहीं फैला? नहीं, वाटरप्रूफ है। तो ठीक रही है, नॉट फेयर बात तो है। अब ऐसे फजूल से लोग तेरे घर आने लगेंगे,
आज पिक एंड ड्रॉप करने आए, कल तुम्हारे ड्रॉइंग रूम में बैठे होंगे। जुल्फी भी तो बैठता है मेरे ड्रॉइंग रूम में, बल्कि वो तो घर में कहीं पर भी। लूसी, वो जुल्फी है, कोई राह चलता आवारा आदमी नहीं है, और तुम उसे बरसों से जानती हो। जानती हूँ मैं उसे, जितना भी जानती हो, ये तो जानती हो ना कि वो जुल्फी है, ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। और ये कैसे पता? क्या हो गया अनुसी, तुम जुल्फी पे शक कर रही हो? मतलब जुल्फी पे? देखो, तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो एक अलग बात है, मगर मुझे पता था कि जुल्फी मेरे साथ ये करेगी। तुम्हें पता था? He was stuck, नूसी। वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि तुम्हारे लिए स्टैंड ले सके, मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसकी भी मजबूरी थी। हाँ, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो साध्या की भी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है? वो आगे बढ़ना चाहती है, उसने ख्वाब देखे हैं। ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है मेरा ख्याल, और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अगर इंसान एम्बिशियस हो जाए तो वो उसकी चॉइस है, और अगर आपके रास्ते बंद कर दिए जाएं तो फिर क्या करे इंसान? ख्वाब देखना छोड़ दो, है ना? न्यूसी, लाइफ एक कॉम्प्रोमाइज का नाम है। इंसान को हर चीज नहीं मिलती जो वो चाहता है। ख्वाब कौन नहीं देखता, मेरे भी ख्वाब थे, पर क्या हुआ? मेरा हस्बैंड अपनी इनसिक्योरिटी में इतना पोजेसिव है कि वो मुझे आगे बढ़ता देख ही नहीं सकता। इनफैक्ट मैं उससे ज्यादा डिजर्विंग हूँ, टैलेंटेड हूँ, पर बिना किसी हैंकी पैंकी के उसके पीछे पीछे चल रही हूँ। तो फिर तुम बताओ, ये तुम्हारी चॉइस है या मजबूरी? अभी तक गुस्सा नहीं उतरा डॉक्टर आरिफ का, कहते हैं इंक्वायरी करवाएंगे। पूरे 3 घंटे तक कमरे में जो बंद रहे थे। वैसे इस्माइल भी उस दिन अपनी ड्यूटी से गायब था, वरना जब वो दरवाजा खटखटा रहे थे वो सुनकर दरवाजा ही खोल देता। बेचारे ने पता नहीं किस किस को कॉल नहीं की, किसी एक ने भी फोन नहीं उठाया। तुझे कॉल की थी, तू भी तो थी ना उस रात ड्यूटी पे? हाँ, पता नहीं, याद नहीं। कल रात मैं भी तुझे कॉल कर रही थी, तेरा फोन ऑफ था। वो मेरी काशी से लड़ाई हो गई थी तो मैंने फोन बंद कर दिया था। एक तो तुम लोग लड़ते इतना हो, कल को क्या होगा तुम लोगों का? मोहब्बत में लड़ाई भी मोहब्बत का सबूत होती है। पिछले 8 साल से जो तू कर रही है वो किस बात का सबूत है यार? बिरयानी क्यों मंगा लेती है तू हमेशा? इतनी मिर्चें होती हैं इसमें, खाई भी नहीं जाती। अच्छा फिर मुझे बता ना, मैं क्या करूं? उसे अभी मेरी जरूरत है ना, वो जो परदेश गया है हमारे लिए ही गया है ना, हम दोनों के लिए ही कर रहा है सब कुछ। एक दफा वो सेट हो जाएगा ना तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। फिर मैं ये सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी, ये नौकरी, अस्पताल, ये मुल, सब। यार बाहर की जिंदगी आसान है क्या? वहां तो यहाँ से ज्यादा महंगाई है। हाँ तो मैं तो मजे करूंगी ना वहां पे, काशी को वर्क परमिट मिल जाएगा, वो काम करेगा, और मैं। तुम बच्चे पैदा करोगी उसके? हाँ, 4। और इनको पालेगा कौन? मैं पालूंगी ना, काशी काम करेगा, मैं बच्चे पालूंगी। अभी तो तू काशी को पाल रही है। अपने फ्यूचर के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। वो तेरी कदर भी करता है? हर वक्त तो लड़ते झगड़ते रहते हो तुम लोग। हाँ नहीं, लेकिन हमारी आपस की लड़ाई थोड़ी होती है, वो तो अम्मी की वजह से झगड़ा हो जाता है। अम्मी कहती है मैं काशी को पैसे क्यों देती हूँ, उन्हें क्यों नहीं देती। वो फिर को उल्टी सीधी बात कर देती है तो गुस्सा आ जाता है ना काशी को। आ गया काशी का फोन, बस इतनी सी नाराजगी थी उसकी। डॉक्टर आरिफ आपको बुला रहे हैं। उन्हें बोले मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ ना। अर्जेंट है, जल्दी है जी। ये फोन उठा ले और बोलना कि मैं वार्ड में हूँ, डॉक्टर आरिफ का ना बताना।
हेलो काशी, वो रोजी तो बिजी है काफी देर से डॉक्टर आरिफ के कमरे में, आएगी तो कर लेगी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली क्या बात है, ये तो वैसा ही हो गया कि मेरा अखबार मेरी मर्जी। सर्कुलेशन से ज्यादा तो सर रद्दी वाला दे देगा। अंबर, सीवी भेजी थी मैंने आपको, आप मेरी पेमेंट क्लियर करें जी, जितनी है वो क्लियर करें जी। खुदा हाफिज। सैलरी ज़रा कम है आपके हिसाब? मेरे पास भी ना ही कोई डिग्री है ना कोई एक्सपीरियंस। तो यानी मजबूर को मजबूर मिला है। बैठिए बैठिए। अंग्रेजी तो आती होगी आपको, इंटरनेट से भी वाकफियत होगी, काफ़ी है ब्लॉगिंग के लिए। वैसे आफरीन है अखबार के मालिकान को भी, यानी डूबते हुए उर्दू अखबार को अंग्रेज़ी ब्लॉग का सहारा चाहिए इस वक्त। अरे भाई भाई, पहले उर्दू को तो बचा लो। खैर, ये एक लंबी बहस है, जाने दीजिए फिर कभी से। मैं मोहम्मद अकील सुलेमान शेरवानी, एडिटर रोज़नामा आवाज़ ज़मीर, पार्टनर भी हूँ। अच्छा, हमारे दफ्तर में और ख़वातीन काम नहीं करती, वैसे जो हैं वो भी नहीं करते। लंच खाने को गए हैं सब। अच्छा, यूं करते हैं कि कुछ दिन ट्राई कर लेते हैं, हम आपको देख लेते हैं, आप हमें देख लें। अच्छा, हमको देखकर तो पशिमान ही होइएगा यूं तो। उर्दू पढ़ लिख लेती हैं आप? जी, क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल आपको उर्दू में ही मिलेगा, ट्रांसलेशन का काम है और कुछ प्रूफ रीडिंग का काम होगा। व्हाट टाइम टुमारो सर? 11 AM शार्प। ओके। मिस अंबर, वैसे आपको सूजी कहती यहाँ पर जॉब अप्लाई करने की? सर, अप्लाई तो बहुत जगह किया लेकिन जवाब सिर्फ इधर से ही आया। ये भी सही है।
ठीक है, सी यू टुमारो। तूने ये कहा है काशी को कि? हाँ, मैंने यही कहा है काशी को कि तू डॉक्टर आरिफ के कमरे में थी, और ये भी बताया कि वो तुझे बहाने बहाने से अपने कमरे में बुलाती, और ये भी कि वो रातों को जानबूझ के तेरी ड्यूटी अपने साथ लगवाती। सदफ, उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि तू उसके खाते क्या क्या कर रही है। तुझे पता है उसे कैसा लगा होगा? तुझे कैसा लगता है रोजी? तू नहीं जानती सदफ, उसने ये सुना होगा तो वो पागल हो गया होगा। वो कितना जेलस है, और मैं तो उसे कुछ भी नहीं बताती। बताया करना, क्यों नहीं बताती? मोहब्बत करता है तुझसे, है ना? अगर वाकई मोहब्बत करता है ना तो बोलेगा कि आइंदा बाहर से कुंडी ना लगाई, डॉक्टर आर्य को थप्पड़ लगा के आई वापस। क्या कर रही है रोजी? रोज क्या होगा इसका? अगर पकड़ा गया ये जाली डॉक्यूमेंट तो मेरा और मेरी फर्म का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और शायद हम दोनों को कुछ सजा भी काटनी पड़े। सजा तो हम वैसे भी काट रहे हैं, क्या फर्क पड़ता? खैर, ये जाली एनओसी बनाकर रजिस्टर्ड करने को दे दिया है आपका वुमेन्स हॉस्टल। थैंक यू। फीस तो बता दो। छोड़ दो, तुम नहीं चुका पाओगे मेरी फीस नौसी। ठीक कह रहे हो, मैं कैसे भूल गई कि तुम तो बहुत महंगे हो, मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा। प्लीज डोंट स्टार्ट दिस। यस, लेट्स नॉट स्टार्ट दिस। बहुत सख्त बात कहती हूँ ऑनेस्टली। हाँ बोलो। हम जरा ऐसे उड़े जड़ा चाला होटल है ना, उधर थोड़ी देर के वास्ते जावा। हम कौन? अच्छा, जाओगी तुम इसके साथ? हाँ, जाना है। अच्छा ठीक है, हाँ जाओ तुम लोग, वक्त पे आ जाना, खाना वक्त पे देना है, पता है ना? ओके ठीक है जी। ए टीटी, ए रुको एक मिनट, रख ले। रख लो रख लो रख लो। जा जा, आइसक्रीम खिलाएंगे इसे। कितने स्वीट है दोनों। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आई हैव टू गो, आई एम इन अ हरी, यू हैव इट। मेरी मम्मी ने तो कभी कुकिंग कराई नहीं, हमेशा खान सामा पकाता रहा। चलो टेबल पर बर्तन रख देती हूँ मैं। फील किया है आपने कितनी क्वाइट क्वाइट हूँ मैं आज? बड़ा मुंह बनाया हुआ है आप सबने मुझसे, एंग्री है ना? ये हशमत आप ही ने दिखाया पढ़ाया होगा सबको कि भाई सादिया से एंग्री हो जाओ, है ना? माँ जी, मैंने तो सुना था बड़े खरे होते हैं आपके इलाके के लोग, जो दिल में होता है वही मुंह पर होता है मेरी तरह। तो इधर
अंदरों अंदर मेरे खिलाफ ग्रुप बना लिया है आपने? मेरा दिमाग खराब नहीं करो। अच्छा, मुझे ना बड़ी टेंशन होती है ऐसे माहौल से। देखो देखो जरा मेरा दिल कैसे धक धक साउंड कर रहा है। सिर्फ एंग्जायटी। तुम हम सब का पीछा छोड़, ठीक है ना? कुछ नहीं कर सकती ना, तो चुपचाप बैठी रहो। टिट्टी बगैरत की वजह से सुननी पड़ी है मुझे सबकी बातें। उसकी ड्यूटी है ना कि इधर टाइम पर कुकिंग करे। अपनी इश्क मशूकियां करता फिर रहा है वो ड्यूटी छोड़कर, वेरी केयरलेस। और ये गूंगी भी ना पूरी है अंदर से। जो लड़का अवेलेबल हुआ बस बॉयफ्रेंड बना लिया। क्यों, गरीब का हक नहीं है बॉयफ्रेंड बनाने का? हाँ, ये मिर्चे लगी हुई है ना सबको कि हाय हाय सादिया को कैसे मिल गया ऐसा बॉयफ्रेंड, इतना रिच आदमी है ना। आप सब भी अंदर से पूरी हो। सादिया जरा ओपन माइंडेड है तो बड़ी बुरी लगती है आप सबको। आप लोगों की तरह मोबाइल फोनों पर मिन मिन जो नहीं कर रही होती। सादिया खुदा के लिए चुप कर जाओ, क्यों बिला वजह शोर मचा रही हो? बिला वजह शोर मचा रही हूं मैं? अब और जेलस होने की जरूरत नहीं है मुझसे। ब्रेकअप हो गया है मेरा, देखा नहीं? मेकअप तक नहीं लगाया मैंने आज। इधर दूसरी गली में जो होटल है ना उठा ही काम करें दा। पहले मैंने सोचा उधर चलते हैं, मगर उधर जो लड़के हैं ना वो बदमाश हैं। आपके जाने की जगह नहीं है जी वो। इधे देखो हुजूर। खुदा गारत करे सारी तस्वीर खराब कर दिया। क्या समझा है तुमने? ऐसी वैसी लड़की हूँ मैं हैं? मेरी मजबूरियों का फायदा उठाना चाहते हो कमीने इंसान? मैं तुम जैसे मर्दों के सहारे अपना कैरियर बनाऊंगी? क्या बकवास कर रही है? खबरदार जो हाथ लगाया मुझे पुलिस बुला लेनी है मैंने, समझे ना? तुम क्या समझते हो? तुम मुझे चांस नहीं दोगे तो मैं मॉडल नहीं बन सकती? क्या कमी है मुझ में आखिर? तुम जैसे को फेवर देना है मैंने, हैं? डोंट टच मी स्टूपिड। मेरा को तो शक्ल से ही दो नंबर लग रहा था यार। वीडियो किसने बनाई है? आजकल हर चीज का वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल देता है। 5000 व्यूज है 3 घंटे में। अब मुझे फोन करके माफिया मांगेगा वो ना? ऐसा आदमी को माफ नहीं करना। लेकिन एक चांस तो देना ही चाहिए ना, मेरे ख्याल में क्या पता ठीक हो जाए। जो शख्स ठीक नहीं होता वो कभी भी ठीक नहीं होता है। पर वीडियो ही बना के डाल दिया ना किसी ने, बदनामी हो जाएगी बिला वजह इसकी। 5000 व्यूअर। इस वीडियो के कितने पैसे दिए तुमने? जो आपसे उधार लिए थे वही दिए हैं अंबर जी। बता दे सारियों को कि मैंने पैसे निकाले हैं आपके। ये भी बता दें कि मेरी फैमिली रिच नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5000 व्यूअर है मेरे, लाइट ना ले मुझे। अरे ओए बंद करो ये लाइट, बेशरम लोग। क्या बकवास कर रहा है? बोलना बाबा बोलना, बोलता क्यों नहीं है? अरे बाबा,
ओ बाबा, ये वही लड़की नहीं है?